गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कोई भी नंबर प्राइम है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग कमेंट लिख देते हैं, तो ये दो स्लैश लगाना, इसका मतलब कमेंट है, ठीक है। तो ये प्राइम और नॉट प्राइम का हम लोग कोड बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर लूप, फॉर लगा देते हैं, फॉर लूप, फॉर इंट आई की वैल्यू मैं वन से लेके जाती हूँ टिल आई लेस देन इक्वल टू एन, एन ये हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे, ठीक है। और ये आई प्लस प्लस कंडीशन क्यों लगाई है, बिकॉज हमारी आई की वैल्यू वेरी हो रही है, पहले वन देन टू टिल एन, ऐसे एक एक नंबर इंक्रीमेंट हो रहा है ना, उसका मतलब हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आई प्लस प्लस, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे अगर हमारा नंबर इफ़ एन, अगर इसका रिमाइंडर आई के साथ इक्वल इक्वल टू ज़ीरो, अगर ज़ीरो आता है तो हम लोग क्या है इसकी वैल्यू को काउंट कर लेंगे, काउंट प्लस प्लस, मतलब प्लस प्लस क्यों यूज़ करते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ वन, ठीक है। तो हम लोग ऊपर भी असाइन कर देते हैं, पहले काउंट की वैल्यू इनिशियली कितनी है, ज़ीरो, और हमारी काउंट की वैल्यू धीरे धीरे करके बढ़ते जाएगी, दैट इज़ काउंट प्लस प्लस, तभी हम लोगों ने काउंट प्लस प्लस ये लिखा ना, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉर लूप के बाहर जाएंगे और लिखेंगे इफ़ काउंट इक्वल इक्वल टू टू, इक्वल इक्वल टू टू हमने क्यों लिखा है, इक्वल इक्वल टू का मतलब ये है कि काउंट की वैल्यू जब अपने आई इक्वल टू वन से और n, मतलब खुद से, अगर खुद से ही और 1 से डिविजिबल होता है तो हम क्या कहते हैं कि वो नंबर हमारा क्या है, प्राइम। तभी हम लोग प्रिंट करवा देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln और कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखेंगे, प्राइम, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और ये सेमी कॉलन, अगर ये अगर काउंट की वैल्यू ग्रेटर देन है 2 आती है ना, तो वो किसके अंदर जाएगा, एल्स, एल्स के अंदर बाकी सब कंडीशन चली जाएगी सिर्फ 2 को छोड़ के। तो हम लोग क्या प्रिंट करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर क्या लिखेंगे, नॉट प्राइम, ब्रैकेट क्लोज देन सेमी कॉलन। मैं आपको ना ब्लू प्रिंट में समझा देती हूँ, सबसे पहले मैं दो स्लैश लगा देती हूँ, ठीक है। सबसे पहले सपोज यूजर से हमने वैल्यू क्या ली, सपोज 6, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि उस 6 वो फॉर लूप के अंदर जाएगा, फॉर लूप आई इक्वल टू 1 से लेके टिल एन तक है। तो देखो हमारी एन की वैल्यू 6 है, तो 6 को पहले डिवाइड करेंगे 1 से, तो हाँ रिमाइंडर हमारा 0 आ जाएगा क्योंकि टोटली डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग आई की वैल्यू 2 होगी, तो 2 की टेबल, वो 2 की टेबल में भी 6 आता है तो भी हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 3 की टेबल में टोटली डिविजिबल होता है, दैट इज़ हमारे पास कितनी आ गई काउंट की वैल्यू, पहले काउंट की सारी वैल्यूज में लिख देती हूँ, इसमें काउंट इक्वल्स टू कौन कौन सी वैल्यूज आ गई, 1, 2, 3, ये 3 वैल्यू हैं, ठीक है। काउंट की वैल्यू 3 आ गई, लेकिन हम लोगों की क्या चाहिए थी, हमें टोटल 2 चाहिए थी। देखो मैंने काउंट की वैल्यू हमेशा यहाँ पे 2 लिखी है, काउंट की वैल्यू 2 आएगी, दैट इज़ वो नंबर सिर्फ 1 से और खुद की टेबल से डिविजिबल होगा, तभी वो प्राइम होगा। यहाँ पे 6 भी आएगा क्योंकि 6 की टेबल से टोटली डिवाइड होता है 6, इसलिए यहाँ पे 4 वैल्यूज आ गई, लेकिन काउंट की वैल्यू सिर्फ 2 होनी चाहिए थी, तभी हमारा नंबर जो होगा वो प्राइम होगा। ऐसी मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लिखते रहती हूँ, सपोज एन की वैल्यू 5 होती, ठीक है। तो फॉर लूप के अंदर जाता तो ये देखो 1 से टोटली डिवाइड होता है 5, तो 5 उस तो रिमाइंडर 0 आ जाता, तो काउंट की वैल्यू कौन कौन सी आ जाती, मैं लिख के बता दी हूँ, काउंट इक्वल टू काउंट के अंदर एक तो 1 आ जाता और 5 आता। इसके अलावा देखो आप देखोगे कि 1 से लेके एन तक कहाँ एक भी डिजिट ऐसी नहीं है जो और कोई डिवाइड होती है, मतलब 2 वैल्यू आ गई, तो काउंट के अंदर कितनी आ गई, इफ़ के अंदर ये वाली चीज़ के अंदर, ये देखो काउंट के अंदर क्या आ गई, 2 वैल्यूज आ गई, 1 और 5, तो ये प्रिंट क्या करवा देगा, प्राइम नंबर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो मैं इस अब यूज़र से इनपुट लेके आपको चेक भी करवा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों को लाइन के लिखनी पड़ती है, मैंने आपको बताया था अगर यूज़र से इनपुट लिखना है तो स्कैनर एस सी इज इक्वल्स टू न्यू स्कैनर ब्रैकेट के अंदर सिस्टम डॉट इन, फिर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, देन सेमी कॉलन और इंट एन इज इक्वल्स टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, फिर ब्रैकेट देन सेमी कॉलन। ऊपर ना पे पैकेज ही बनाना पड़ता है, तभी हमारी वैल्यू इंपोर्ट हो पाती है। तो हम लोग क्या लिखते हैं, हमेशा बताया था मैंने आपको, इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर और ये सेमी कॉलन। अब देखो ये आ गया, हम लोग 5 साल के देखते हैं, तो हमारा क्या आना चाहिए था, प्राइम नंबर, प्राइम आना चाहिए था, ये देखो प्राइम आ गया। अब मैं क्या करती हूँ, 6 डालती हूँ, हमें पता है 6 प्राइम नहीं है, तो क्या आएगा, नॉट प्राइम। तो देखो
ये नॉट प्राइम आ गया। देखो अब आपको इजीली समझ आया होगा मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले इंट काउंट इक्वल्स टू जीरो, काउंट की वैल्यू हमने जीरो क्यों रखी, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था जब भी हम लोग एडिशन करना होता है तो काउंट की वैल्यू हमेशा जीरो रखते हैं, ठीक है। फिर हमने फॉर लूप चलाया, आई इक्वल टू वन से लेके टिल एन तक चलाया, आई प्लस प्लस किया। हम लोगों ने आई की वैल्यू जीरो से स्टार्ट इसलिए नहीं की क्योंकि अगर हम लोग जीरो, अगर एन डिवाइडेड बाई आई इक्वल टू जीरो करते हैं और अगर किसी का भी डिवाइड करते हैं जीरो से तो हम लोग इनवैलिड इंप्रेशन आता है ना। तो अभी हम लोगों ने आई की वैल्यू वन से स्टार्ट की और आई लेस देन इक्वल टू, इक्वल टू हम लोगों ने इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को कोई भी नंबर प्राइम कब होता है जब वो खुद से डिविजिबल हो और वन से डिविजिबल हो, इसलिए हमें लेस देन इक्वल टू भी साइन लगाना पड़ा। और हम लोग आई प्लस प्लस करके गए क्योंकि हमारी इंक्रीमेंट ऑफ वन होना है, आई इक्वल टू वन टू थ्री ऐसे एक एक इंक्रीमेंट होना है ना, इसलिए आई प्लस प्लस। उसके बाद क्या करेंगे, इफ है ना, अगर रिमाइंडर उसका जीरो आ रहा है तो वो काउंट के अंदर उसकी वैल्यू चले जाएगी, अगर इस फुलफिल नहीं हो रही है तो ये इस लूप के अंदर नहीं आएगा। फिर हम लोग बाद में चेक करेंगे, फॉर लूप के बाहर जाएंगे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हमें बाद में चेक करना है ना, तो हम लोगों को फॉर लूप के बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाद इफ़ कंडीशन में लगाएंगे, अगर काउंट की वैल्यू टू के इक्वल होती है, टू की इक्वल मतलब वो नंबर वन से और खुद से डिविजिबल है तो काउंट की वैल्यू क्या होगी, टू। तो अभी अगर काउंट की वैल्यू टू आएगी तो वो हम लोग क्या प्रिंट करवा देंगे, प्राइम, एल्स नॉट प्राइम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा, थैंक यू।